गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल। आई एम आरके सर, योर एसएसटी टीचर, एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। सो वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो पहला था डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स। सो डिसीजन, तो ये वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। तो ऑर्गन आता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून को बनाना। लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? कानून बनाना है, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर। इसमें कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा आता है। लोकसभा रिप्रेजेंट विल ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव एंड मेक लॉज। और राज्यसभा जो है वो पावर शेयर करता है ये लोकसभा के साथ में। एग्जीक्यूटिव पावर अब क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ये इम्प्लीमेंट लॉज एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल डिसीजन मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम है कि कानून को लागू करना। इसमें कौन सबसे हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड। और ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से नियुक्त करते हैं। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? ये होता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो पार्टी सबसे बेसी सीट जीत कर आया है वही होता है लीडर। और ही वो प्राइम मिनिस्टर का मदद करने के लिए और सब मिनिस्टर लोग होते हैं लोग, और उन लोग का ये, और ये सभी लोग का किसको जवाबदेही होता है? तो लोगों को जवाबदेही होता है, लोगों को जवाब देने पड़ता है। नाउ जुडिशरी, जुडिशरी ये क्या? इट इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ये इंडिपेंडेंट है ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। और इसके पावर क्या है? कोई भी कानून को इलीगल करार देना, गैर कानूनी करार देने के लिए। और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से फ्री है। नेक्स्ट वन ये जाता है जस्टिस। जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जस्टिस एंड पिलर आर द टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और जस्टिस का मतलब क्या है? जो कि व्हाट ए पर्सन डिजर्व, जो पर्सन चाहिए जिसको वो चीज़ मिल गई तो जस्टिस हो गया। इक्वालिटी का मतलब है बराबरी, समानता। तो कानून के नज़र में सभी कोई, जितना भी भारत का नागरिक है वो सभी कोई समान है, के कोई तरह का भेदभाव नहीं है इन द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा। सो देर शुड बी ए जस्टिस, ठीक है। इक्वलिटी तभी होगा जब जस्टिस होगा तब। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ लॉ, कानून रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में क्या आता है? ये में लॉ सबसे सुप्रीम है, यहाँ पर लॉ से नो वन इज अबव द लॉ। अब यहाँ पे हम लोग मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप में अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग प्रकट कर सकते हैं। तो दिस फॉर्म्स गिव इक्वल राइट टू द सिटीजन विच, और ये डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेवलपमेंट मौका मिलता है कि पर्सनली डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ पे सभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर नहीं मिलेगी किसी को तब तक ये कोई मतलब नहीं होता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या आता है? दे हैव गॉन फॉर दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में मीन्स राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट ये आता है। तो देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, इसके बाद में सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी मतलब समाज, समाज में जो भी पुरुष महिला है वो सभी को बराबरी का दर्जा देने के लिए, एंड नो वन शुड बी एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ कास्ट रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ। सोसाइटी सभी तरह का बुराइया से, सामाजिक बुराई से आज़ाद होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। जैसे कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी समाज में नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है देर शुड नॉट बी एनी एक्सप्लॉयटेशन, कोई तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इक्वल वेजेस, सभी को बराबरी का ये वेजेस मिलना चाहिए बोथ फॉर मैन एंड वोमेन। लैंडलॉर्ड एंड एंटरप्रेन्योर्स जो है, लैंडलॉर्ड है जो मालिक लोग है, वो कभी एक्सप्लॉयट नहीं करने चाहिए वर्कर्स लोग को।
इसके बाद आता मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कब होगा? तो पहला नंबर, अगर जो जितना भी सिटीजन नागरिक है वो शिक्षित हो और वो लोग अपना हक लिए उन लोग का जानकारी हो और वो लोग अपना कर्तव्य निभाए सरकार के प्रति। दूसरा चीज़ चाहिए कि वो लोग डिसिप्लिन हो और कानून को ना तोड़े। तीसरा चीज़ डेमोक्रेसी सक्सेस डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? वो लोग का रुचि होनी चाहिए कि सरकार बनाने में, और इसीलिए वो लोग का वोट देना चाहिए, नागरिक को वोट देना चाहिए। इसके बाद में और भी क्या चीज़ है कि द पीपल शुड कीप देमसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के नीति से लोग को जानकारी होना चाहिए सरकार के नीति के बारे में। क्या है तो दे शुड फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन टू द पीपल फॉर नॉट फेयर और नॉट इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। पब्लिक ओपिनियन के बारे में जानकारी होना चाहिए। देर शुड बी पोलिटिकल कॉन्शियसनेस एमंग द सिटीजन टू मेक डेमोक्रेसी इफेक्टिव। पोलिटिकल कॉन्शियस होना चाहिए। देर शुड बी अवेयर ऑफ द ऑफ दिस राइट टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट नॉट टेक लॉ इन टू देर ओन। कभी कानून को अपने हाथों में नहीं लेने चाहिए। और डेमोक्रेटिक पावर पुलिंग डाउन अ गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव अ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में इतना पावर होना चाहिए कि कभी भी सरकार को गिरा सकता है अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो। सो दिस इज ऑल हमें यहाँ पे आया है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में ये एक्ट पास किया था, और इसके तहत क्या है 6 से 14 साल के बच्चे लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये कि ना 60 ईयर्स में 60 साल आज़ादी का 60 साल बाद में ये एक्ट पास किया गया था RTE। थैंक यू।